चलिए तो हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमी तट। अगला है पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। अगला है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, कीनिया और जायरी। अगला है हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला रेजिन तारबीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड वार्निश कीटनाशक तथा सेल्यूलोज के निर्माण में। अगला है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। अगला है मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा। अगला है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? हल्दी। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। अगला है उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। अगला है पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। अगला है मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा कर। अगला है भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? कानपुर में। अगला है इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? केरल में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला है नैन्सी किस देश के प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस के। अगला है भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया? 8। अगला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में, इक्वेडोर में। अगला है तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। अगला है तिस्ता नदी किस विद्युत नदी व्यवस्था के अंदर है? तो यह ब्रह्मपुत्र। अगला है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तरांचल राज्य में। अगला है कुफड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड टैंक रोड पूर्व में किन दो स्थानों को जोड़ती थी? कलकत्ता और पेशावर को। अगला है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। अगला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। अगला है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सी पत्थर निकाली जाती है? सफेद संगमरमर। अगला है गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी। अगला है भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अगला है भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में। अगला है किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगला एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। अगला विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह तंजानिया, कीनिया और जायरे। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है जून से सितंबर। अगला है प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध। अगला है गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत बनाती है भागीरथी अलकनंदा। अगला लैंच डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में? उत्तरांचल उत्तराखंड। अगला शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। अगला गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल। अगला अरब सागर बंगाल की खाड़ी में विख्यात है? पाक स्ट्रेट। अगला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस देश में जाने पर एक दिन बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम। अगला पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? अंटार्कटिका पर। अगला है भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड
करोड़ कहा जाता है। दो, अगला है भारत विधान या मुद्रा कि किस ओर पड़ता है? पूर्व में। अगला है लोगों और पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, प्रयास, प्रवास। अगला है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किस किस किन के बीच चक्कर लगाता है? मंगल और बृहस्पति। अगला है खासी और गारो जयंती मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? जाती हैं मेघालय में। अगला है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान। अगला है ग्रेट डक्कन रोड वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी मिर्जापुर जबलपुर नागपुर हैदराबाद बेंगलोर मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। अगला है लारेसिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित था? टैथिस सागर। अगला विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है पश्चिमी पश्चिम प्रशांत महासागर में। अगला प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है गोदावरी। अगला राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। अगला भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में। अगला कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। अगला है हमारा मैक्सिको स्थित चिहुआ हुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। अगला है बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। अगला है फेरी डायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिकों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है यह व्यक्ति कौन है? हेकेटिया। अगला अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। अगला एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। अगला सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है तो बुध उसके बाद शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। अगला हमारा यूरेनियम यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश हैं नीदरलैंड बेल्जियम लग्जमबर्ग। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवृत देश कौन सा है? मंगोलिया। अगला तमिलनाडु का डंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और सिंगार सिंगार। अगला उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। अगला तमिलनाडु राज्य के पूर्वी पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का पाया जाता है? विस्तार है लाल मिट्टी। अगला वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किस को जाता है? तो है पोप गेगरी ये 13 को 13 को पोप गेगरी 13 को। अगला नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय सागरों लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण ना होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी या अवरुद्ध नद मुक्का। अगला सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। अगला ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच। अगला पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाला गर्म जलधारा क्या है? कहलाती अल नीनो। अगला मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। अगला हमारा कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जाति जनजाति क्या है? बुशमैन। अगला शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। अगला पाइन सिल्वर थर तथा रोडेंडो रोडेंडो नेंस डोनेंस इत्यादि वृक्ष हिमालय के क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। अगला सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट से। अगला इटली में लाल वारिस जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का नाम है सिरोको। अगला उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। अगला पुलिकट एक गोलयाकार लैंगून झील है इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। अगला पिग्मी
पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन में। अगला है मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लेदांग। अगला है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में।